तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज है, क्वेश्चन है, उनके डाउट हैं कि सर जो यूनिट टेस्ट थर्ड यानी कि पीरियोडिक असेसमेंट थ्री होना है कब होगा, कितने मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, कितने मार्क्स लगेंगे, सबसे मेन सिलेबस क्या होगा। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, पूरी बात को ध्यान से समझना। ये क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 सबके लिए है, ठीक है, पूरी बात को ध्यान से समझना। तो जो आपका यूनिट टेस्ट थर्ड होना है, यहाँ पर मेंशन किया गया 4th week of November, तो जैसे क्लास 9th का है सेम ऐसे ही जितनी क्लासेस हैं सबके लिए है, 4th week of November में होगा यानी कि नवंबर के चौथे सप्ताह में होगा। लेकिन ध्यान रखना, किसी किसी स्कूल में जैसे ही आप 20 तारीख से स्कूल जाओगे आपको डेट शीट बता दी जाएगी, या फिर दिसंबर 1st week हो सकता है, ओके, ये डिपेंड करेगा स्कूल के टीचर के ऊपर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कितने मार्क्स का होगा, तो 20 नंबर का होगा, टाइम आपको 1 घंटे का मिलेगा, 5 मार्क्स लगेंगे, ये क्लास 9th के लिए है। बाकी जितने भी क्लासेस हैं उनके भी वही जो 20 नंबर का इंटरनल होता है उसमें 5 मार्क्स के रूप में ऐड हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सिलेबस, तो सिलेबस आपका अलग अलग होगा, आपके स्कूल टीचर जो भी सब्जेक्ट अलग अलग होंगे उनके, जिस सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर पढ़ा रखे हैं उसी हिसाब से आपको 1-2 चैप्टर बता देंगे, उसकी आप तैयारी कर लेना और उसी में से आपका 20 नंबर का टेस्ट बन जाएगा, आपका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, सिलेबस अलग अलग होगा, आप अपने टीचर से पता करोगे, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हम कौन सा चैप्टर टेस्ट में देंगे, वही आपको तैयार करना होगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्लास 10th and 12th की बात करें तो उनका प्री बोर्ड एग्ज़ाम है दिसंबर में, 13 तारीख से 12th का स्टार्ट है और दिसंबर में ही 15 तारीख से 10th का स्टार्ट है। तो अगर उनको लास्ट ईयर का प्री बोर्ड पेपर तैयार करना है तो कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, CBSE की तरफ से SET 2 प्रैक्टिस पेपर जो कि एनुअल बेस है, कंप्लीट सिलेबस है, भेज दिया गया है ऑल सब्जेक्ट आंसर के साथ, उसकी भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, बाकी कमेंट में लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट PDF डाउनलोड करके तैयार कर सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लो। आज की वीडियो में इतना ही था, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।